हम लोगों ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2006 होटल लीला पैलेस बैंगलोर एंड वी वर्क 2.5 ईयर एंड देन वी मूव टू दुबई. वी वर्क सो मेनी 5-star होटल ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली इन दुबई. वी वर्क जुमेरा बीच होटल, बुर्ज अल अरब, मदीना जुमेरा, एमिरेट्स पैलेस एंड देन वी डिसाइडेड टू ओपन अवर ओन रेस्टोरेंट. तो हम लोगों का यही था कि हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट से स्टार्ट करके एक चेन डेवलप करेंगे. तो अभी आए हुए 3 साल ही आए और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी किचन में बने वो इतना बने कि मतलब पूरी रेसिपी के साथ जो लोग आएँ वो दोबारा बार बार आएँ और ये कह के जाएँ कि हाँ हाँ इस रेस्टोरेंट में जो भी खाया वो दिल से खाया और वैल्यू फॉर मनी है. हेलो एंड वेलकम टू दिल फूडियाना. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप सब सेफ हैं. आज फिर से आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह को लेकर आई हूँ और वो जगह का नाम बिना टाइम वेस्ट किए बताती हूँ. इस जगह का नाम है शेफ्स डायरी. शेफ्स डायरी ये जगह बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग सी लग रही है. इसका और कोई वजह नहीं है क्योंकि इसके खाने के नाम मैंने एकदम मस्त मस्त पड़े हुए हैं. बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ लाइव किचन देखते हुए. और हाँ, उसके पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप सब हमें फेसबुक में लाइक कीजिए, हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को. अगर हम नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में नोटिफिकेशन बेल जो है इसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें. इससे आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिए. शेफ डायरी यहाँ पर तो है बहुत सारे चीज़ें और यहाँ मैं देख रही हूँ सूप स्टेशन है, सैंडविचेस है और सबसे अच्छा इन्होंने मेन्यू में लिखा है, यू नो, स्टार्टर के जगह लिखा है शुरुआत. शुरुआत में वेज एंड शुरुआत में नॉन वेज एंड ऑफकोर्स मेन कोर्स में है इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, बर्गर्स है, चाइनीज़ है और क्या. और सबसे बड़ी बात इनके मिडिल ईस्ट के खाने भी है, शॉर्मास भी है जो हम बिल्कुल ज़रूर ट्राई करेंगे. और यहाँ कॉम्बोज भी है, कॉम्बोज में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे दिख रही है एंड क्वाइट रीजनेबल रेट भी लग रहा है कॉम्बोज में. एंड ड्रिंक स्मूदीज एंड मॉकटेल्स, हॉट एंड कोल्ड जो भी आप ट्राई करना चाहें. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई. देखते हैं हम क्या ट्राई करते हैं. सो हेयर कम्स आवर फर्स्ट ड्रिंक, हमारा एकदम सबसे पहला ड्रिंक जो हमने ऑर्डर किया एंड द नेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड द नेम इज़ थर्स्ट क्विंचर. आप समझ रहे हैं थर्स्ट क्विंचर. आह देखते ही कितनी प्यास बुझाती है. भाई साहब दिल्ली की गर्मी और ऐसा ड्रिंक मिल जाए, भगवान सबका भला करे, ऊपर वाले सबका भला करे. एंड दिस इज जस्ट 130 रुपीज, 130 रुपए. एंड इसमें यू विल गेट द फ्लेवर ऑफ मैंगो, पाइनएप्पल और क्या, मैंगो जूस, पैशन फ्रूट, लेमन जूस, बनाना ब्लेंडेड एंड क्रस्ट पाइनएप्पल से ये चीज बनाया हुआ है. एंड यू गेट द फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग एंड दिस इज जस्ट वेरी लाइक बहुत रिलैक्स लग रहा है एकदम गर्मी में एकदम. सो ये आ गया है हमारा शवरमा. तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, शुरुआत करेंगे हम शवरमा से. हालांकि यहाँ पर शुरुआत के लिए कोई और आइटम है मगर दे आर वेरी मच, इन्होंने कहा है कि आप हमारा ये अरबिक मेन्यू, हमारा ये अरबिक खाना ज़रूर ट्राई करें शवरमा एंड दे मेक इन अ वेरी वेरी ऑथेंटिक वे एकदम मेडिटेरियन स्टाइल से. एंड जस्ट सी, ओ हो 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 हो, चीयर्स. $260 में ये देखिए ये सर्व लाइक दिस एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक वाला, बिल्कुल ऑथेंटिक. वो नॉट दैट टिपिकल जो हमारे इंडियन स्टाइल से अभी कर ले रहे हैं, नॉट दैट, बहुत ही ऑथेंटिक है ये. तो ये आ गया है हमारा शाकाहारी शुरुआत यानी कि वेज स्टार्टर यानी कि वेज शुरुआत और वो है हरियाली टिक्का. आप देख ही रहे हैं ग्रीन 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 है तो हरा भरा है तो हरियाली पनीर टिक्का.
So, and they serve 8 pieces, 8 pieces hai, and this price is, main bhul jati hu yaar, mujhe yaad hi nahi reh raha. And the Haryali Tikka, Paneer Haryali Tikka is 8 pieces is 290 rupees, yani ki 290 rupees. तो भाई गर्मी बहुत है, प्याज तो बहुत ही ज़रूरी है, नींबू है, अरे अरे भाई साहब, पनीर एक तरफ और नींबू जी महाराज अभी एक तरफ. नींबू को यूं ही नींबू नहीं बोल सकते हैं, अभी नींबू को बड़े प्यार से नींबू जी महाराज हमें कह रहा है. तो हम स्टार्ट करेंगे पनीर टिक्का. यहाँ पर एकदम अच्छा खासा हमें कैप्सिकम वैक्सिकम दिख रहा है विथ मिंट चटनी. तो चलिए शुरुआत करते हैं. और इनका मुझे सर्व करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा है. यू नो, एक वुडन प्लेट में दे सर्व. दिस इज हरियाली टिक्का, दिस लुक्स यम. सबसे बड़ी बात क्या है, पनीर के अंदर ना बहुत अच्छे से सारा रस, मैंने सारे मसाले अंदर गए हुए हैं. जस्ट लविंग दिस पनीर टिक्का. आप सब यहाँ आइए तो ये शुरुआत में इनका हरियाली टिक्का जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इनके जो पनीर है ना मुझे इतना मस्त लग रहा है. बहुत जगह पनीर इतने सॉफ्ट नहीं देते हैं, और अगर पनीर सॉफ्ट भी हो तो क्या होता है, जो मसाले हैं एंड जिस तरह से यू नो सारे मसाले अब्सॉर्ब किए हैं पनीर में, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत एकदम. तो ये आ गया है हमारा मेन कोर्स, और हमारे मेन कोर्स में है ये है दाल बुखारा. क्योंकि मुझे बहुत दिनों से दाल की क्रेविंग हो रही थी, तो मुझे यहाँ सजेस्ट किया गया, यू हैव दिस दाल बुखारा, आई लाइक दिस बाल्टी वाला दाल. एंड ये है जंगली गोश्त. एंड ये इन्होंने कहा है कि जैसा कि मुझे स्पाइसी पसंद है, तो इन्होंने कहा है कि आप हमारे यहाँ पर ये जंगली गोश्त ट्राई कीजिए. तो हम ज़रूर से ये जंगली गोश्त ट्राई करेंगे. एंड ये तो देख कर ही मुझे बहुत एकदम भुना हुआ वो राजस्थान का वो लाल मांस टाइप का, ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है. ये हाँ, ये अदरक दिया हुआ है इन्होंने ऊपर से पतले पतले धनिया पत्ते के साथ. एंड ये है दाल के लिए कटोरा, ये है दाल बुखारा. यहाँ पर मैं देख रही हूँ इनके आइटम्स के ऊपर इन्होंने ये अदरक के ऐसे कटे हुए रेशे दे रहे हैं, ये बड़ा मज़ा आता है. ओ हो, ये दाल देखकर मुझे कोलकाता की तड़का याद आ गई. तो ये काली दाल है, ये पता नहीं अब खा के समझ में आएगा. धनिया पत्ते ऊपर से इन्होंने पूरा एकदम अच्छे से स्प्रिंकल किया हुआ है. एंड ये हमारा दाल, ये हमारा जंगली गोश्त, एंड ये हमारा प्लेन रोटी. सो लेट्स ट्राई विद दिस सम दाल. लेट्स सी, क्रेविंग मिट्टी है कि नहीं तड़के की. ऑसम दाल, कुछ नहीं है, दाल बुखारा और रोटी भी खाइए, आपको बड़ा मजा आएगा. तो हम लोगों ने दाल बुखारा बनाते हैं, हम लोग 12 घंटे में बनाकर तैयार करते हैं, कोई कुकर यूज नहीं करते हैं. ओवरनाइट तंदूर पर डाल के जाते हैं और सुबह आके उसमें तड़का मारते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश मिलती है. और हम ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, 12 से 15 किलो दाल डेली बनती है और डेली ही बिकती है. अब मैं आ गई हूँ यहाँ जंगली गोश्त में, एकदम जंगली गोश्त पूरा रेड रेड, एकदम स्पाइसी, इट लुक सो स्पाइसी. मुझे एक्चुअली ये नाम अट्रैक्ट कर गई, जंगली गोश्त. तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे राजस्थान में होता है ना एकदम लाल मांस, तो यहाँ पर हमें जंगली गोश्त फ्राई करना चाहिए, एकदम मटन जैसे. मैं भी ना अब घर में ना वो खाने में जब भी मटन बनाऊँगी ऐसे पतले पतले ऐसे अदरक काट के डालती हूँ, देखती हूँ, गजब लग रहा है. नाम में ही जंगली है तो ऑब्वियसली टेस्टी होना ही है, स्पाइसी होना ही है, तीखा होना ही है, एकदम गजब. ये नाम बताइए, जंगली गोश्त, ये नाम. देखिए जंगली गोश्त बेसिकली मटन के लिए लोग यूज़ करते हैं, और मटन तो हर एक जगह अवेलेबल होता है. बट देखिए होटल इंडस्ट्री में क्या है कि मटन लोग चीप क्वालिटी का यूज़ करते हैं, बट हम लोगों का जो मटन है उसकी एक एजिंग है, मतलब 6 से 7 किलो का ही बकरा होना चाहिए बेसिकली. उससे ऊपर का जो एज का होगा तो उस पर टेस्ट नहीं आएगा, वो हार्ड रहेगा उसका मीट. तो इसका जो बच्चे का जो मीट रहता है, मतलब यंग गॉट का, उसमें ज़्यादा टेस्ट होता है और सॉफ्टनेस रहती है.
तो उसको बनाने का जो है प्रॉपर एक राजस्थानी कुजीन है और उसका खाने का भी एक अलग एक स्वाद है। तो आप हमारे व्यूअर्स को जल्दी से यहाँ का एड्रेस। देखिए, ये एसोटेक बिजनेस क्रिस्टेरा बिल्डिंग है, नोएडा सेक्टर 135 के अंदर, और रेस्टोरेंट का नाम शेफ डायरी है। आप गूगल मैप डाल के शेफ डायरी आ सकते हैं, और हम डाइनिंग के लिए, और अगर आप कॉल भी करना चाहें तो आप फोन टेलीफोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, हम आपको प्रॉपर गाइडिंग करेंगे और आपको व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भी भेज देंगे, लाइव लोकेशन। स्विगी जोमैटो पर? देखिए, स्विगी जोमैटो पर हम लोगों के तीन ब्रांड हैं, एक शेफ डायरी है जिसपे जो कि बहुत करीज के लिए बहुत फेमस है, एक गायरोस कबाब एंड ग्रिल है स्पेशली कबाब्स के लिए जिसपे 42 टाइप्स ऑफ कबाब्स हैं। अगर आप लव कबाब लवर्स हैं तो इससे बेस्ट प्लेस कुछ नहीं हो सकती। लोग गारंटी देते हैं कि उनके कबाब बहुत अच्छे हैं, हम गारंटी देते हैं कि हम लोग के कबाब बहुत अच्छे हैं और प्लस जूसी है। आप मेरे यहाँ से कबाब लीजिए और किसी और से लीजिए, आप देखोगे कि अंदर जो ड्राई जो सॉफ्टनेस होती है और जो मतलब वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। हम लोग 24 आवर्स मिनिमम मैरिनेशन में रखते हैं किसी भी कबाब को बेचने से पहले। अगर जब 24 आवर्स मैरिनेशन में रहेगा उसके बाद ही बिकेगा, चाहे हमारे पास 50 गेस्ट आए या 100 गेस्ट आए, हम लोग जब भी बेचेंगे जब मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग के कबाब्स में सॉफ्टनेस ज़्यादा है। टाइमिंग हम लोग का रेस्टोरेंट 12 बजे ओपन होता है और रात को 12 बजे ही क्लोज होता है। हमने बहुत कुछ खा लिया, बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कुछ चीज़ें। तो आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे बुरा लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नए से जगह स्ट्रीट फूड या कैफ़े या रेस्टोरेंट को लेकर। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।